हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11th चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आज हम लोग जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में समझेंगे, इसका इंट्रोडक्शन हम समझेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना ये फॉर्म होता है जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, आई बी के फॉर्म में होता है। ये जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये a प्लस आई बी, आई जब लग जाएगा तभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। a और b कोई भी जो रियल नंबर है, इसमें a को जो है ना रियल पार्ट बोलते हैं, रियल पार्ट, इसको डिनोट करते हैं रियल z ऐसे, ठीक है। और ये जो b है जिसमें i लगा रहता है इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट, इसको डिनोट करते हैं आई एम जेड से, ठीक है। ए प्लस आई बी, आई को आयोटा भी जो है ना कहते हैं। तो जिस भी इक्वेशंस में पूरा, ये पूरे को जो है ना हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर तो यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना को जेड से डिनोट करते हैं इसको। तो जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, तो ए इसमें रियल पार्ट है और बी इसमें इमेजिनरी पार्ट है। जिसमें ये आई लगा रहेगा ना तो वही इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है। आई के बारे में हम समझते हैं, आई का जो वैल्यू होता है ये होता है माइनस वन, ऐसा ऐसे ऐसे लिखते हैं, ये आई इक्वल टू होता है माइनस वन, ठीक है। तो यही जो है ना आपका इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है ना डिनोट करता है, इसी से कॉम्प्लेक्स नंबर पता चलता है। इसके इसमें जो है ना बहुत सारे इंट्रोडक्शंस हैं, हम मोटा मोटी जो है ना समझा देते हैं। तो जितने भी रियल नंबर्स है, जितने भी रियल नंबर एक्स है, उसको जो है ना आप इस तरह से आप लिख सकते हो जेड इक्वल टू, ठीक है, एक्स प्लस जीरो आई, ये इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अगर ये प्योरली इमेजिनरी है, इफ़ अगर इसमें इस वाले में अगर ए जीरो है, ए अगर जीरो है, तब जो है ना ये प्योरली इमेजिनरी होगा, प्योरली प्योरली इमेजिनरी होगा, ठीक है। जब ये ए इक्वल टू जीरो होगा तो प्योरली इमेजिनरी होगा, और इफ़ बी इक्वल टू अगर जीरो हो गया आई वाले पार्ट का जो हो गया, तब ये प्योरली रियल कहलाएगा, प्योरली रियल कहलाएगा, ठीक है। ये इसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बनाने में यूज होता है। अगर कोई दो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लेते हैं कि जो है ना जेड वन इक्वल टू है ए प्लस आई बी और जेड टू इक्वल टू है सी प्लस आई डी, ठीक है। अब ये कहता है कि दोनों इक्वल है, यानी कि जेड वन इक्वल टू अगर जेड टू है तो इसका मतलब है कि ए प्लस आई बी इक्वल टू हम लिखेंगे सी प्लस आई डी, ठीक है। तो रियल को रियल के साथ इक्वल करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ इक्वल करेंगे, तो ए इक्वल टू आपका सी हो जाएगा और बी इक्वल टू आपका डी हो जाएगा। इस तरह से जो है ना आप इक्वेट करके आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसका एडिशन अगर करना हो कोई भी, अगर हम देख लेते हैं कि जेड वन इक्वल टू ए प्लस आई बी है, ठीक है, और जेड टू इक्वल टू सी प्लस आई डी है, तो हम इसको हम एडिशन कैसे करेंगे, तो जेड वन प्लस जेड टू लिखेंगे इस तरह से, ए प्लस आई बी लिखेंगे प्लस सी प्लस आई डी ऐसे लिखेंगे। फिर हम रियल को रियल के साथ लिख देंगे, ए प्लस सी एक साथ लिखेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिखेंगे, दोनों में आई है तो कॉमन लगा करके इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से हम प्लस कर देंगे। यही अगर सब्सट्रेट करना हो तो हम कैसे करेंगे, जेड वन माइनस जेड टू है तो हम सब्सट्रेट कैसे करेंगे, तो इसमें भी हम यही लिखेंगे ए प्लस आई बी और यहाँ पर हम माइनस साइन लगाएंगे सी प्लस आई डी, फिर हम माइनस ब्रेक करेंगे पहले ब्रैकेट, तो ये आपका हो जाता है माइनस सी, ठीक है। अब फिर रियल वाले को एक साथ कर लेंगे ऐसे, फिर प्लस आई बाहर निकाल के बी माइनस डी ऐसे जो है ना माइनस कर लेंगे, ठीक है। इसके अंदर में बहुत सारे जो है ना प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है,
और कॉमुटेटिव है, एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव इन्वर्स है, ये सब सारे प्रॉपर्टीज हैं जो आप जो है ना हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ये हमने सारा जो है ना लिख दिया हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन जो है ना आप कैसे करोगे, अगर दो दिया हुआ है तो जेड वन इक्वल टू है ए प्लस आई बी और जेड टू इक्वल टू है सी प्लस आई डी। तो इसका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, ये देखें ए प्लस आई बी और है सी प्लस आई डी। इसका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे ये देखिए, ए को पहले जो है ना हम कर देंगे सी प्लस आई डी से, फिर हम आई बी को कर देंगे सी प्लस आई डी से, ठीक है। इसके साथ ये पूरा, फिर इसके साथ भी पूरा। अब इसको खोलेंगे तो ये ए सी हो जाएगा और आई ए डी ऐसे हो जाएगा, प्लस इसको जो है ना हम करेंगे तो आई बी सी हो जाएगा और इसको हम करेंगे तो आई स्क्वायर बी डी हो जाएगा। ये ए सी प्लस आई ए डी प्लस आई बी सी, इसमें आई स्क्वायर का वैल्यू होता है ना माइनस वन होता है, इसलिए माइनस यहाँ लग जाएगा बी डी। ये आई स्क्वायर जो होता है ना इसका माइनस वन होता है, अभी आगे हम बताते हैं इसको। फिर रियल वाले को एक साथ रख लेना, ये रियल है, इसमें आई नहीं है, इसमें आई नहीं है, तो ये एक साथ रख लेना, और ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है तो इसको आप एक साथ रख लेना ऐसे, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है ना आप मल्टीप्लिकेशन जो है ना कर लेना। इसी तरह डिवाइड भी जो है ना, इसी तरह से डिवाइड भी होता है। अब इसमें भी प्रॉपर्टीज हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी प्रॉपर्टीज है, क्लोचर है, कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का जो है ना फॉर्मूला होता है जेड इन्वर्स, किसी का इन्वर्स निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है जेड का कंजुगेट बाय मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला को हम इस तरह से भी लिखते हैं जेड जेड बार, सो बार भी बोलते हैं, कंजुगेट भी बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, इस तरह से भी जो है ना हम लिखते हैं इस फार्मूला को, वो हम आगे जो है ना आपको हम बताएंगे इसके बारे में। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो सब जो है ना आप देख लेना, इसी में लिखा हुआ है। अब पावर ऑफ आई के बारे में हम बताते हैं, आई का कैसे आप जो है ना डिनोट करोगे। देखो आई स्क्वायर है तो इसका वैल्यू जो माइनस वन होता है, क्योंकि हमने आपको बताया था पहले कि आई इक्वल टू ना माइनस वन होता है, ठीक है। तो आई स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस वन हो जाएगा। अगर आपको आई क्यूब निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो इसको ब्रेक कर लेना, आई का स्क्वायर इंटू आई, तीन बार हो गया, ये एक बार और ये एक बार, तीन बार हो गया। तो आई स्क्वायर की वैल्यू ना माइनस वन लगाएंगे और ये आई आपका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आई हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप बहुत सारा चीज़ जो है ना आप निकाल सकते हो। अगर आपका फॉर्मूला है ये माइनस ए हो तो इसको हम कैसे जो है ना लिखेंगे, तो इसको देखो आप इस तरह लिख देना माइनस वन इंटू ए ऐसे, इसको फिर लिख देना माइनस वन, ठीक है, और रूट ए ऐसे अलग अलग लिख देंगे। इसका तो वैल्यू आपका आई हो गया और ये रूट ए हो गया, तो इस तरह से जो है ना लिखते हैं, ठीक है। रूट ए को अगर रूट बी से आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये वापस रूट ए बी हो जाता है, अंदर में ही चला जाता है, ठीक है। अब इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्वेश्चन में सोल्व करने के लिए आता है, तब जो है ना इसको सोल्व करते हो। पहले हमारा जो इक्वेशन होता था एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन हो जाता था, ये लेस देन जीरो हो जाता था, तो हम कहते थे कि ये इमेजिनरी पार्ट है, ये जो है ना नहीं होगा, ये इमेजिनरी है। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा माइनस वन और इसका वैल्यू ना आई हो जाएगा, यही जो है ना आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, ठीक है। आइडेंटिटीज हैं इनके जो ए प्लस बी का स्क्वायर है वही जेड के फॉर्म में इसमें लिखा होता है। अब मॉडुलस निकालने का तरीका सिखाते हैं। जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी दिया हुआ है तो मॉडुलस, इसको ना मॉडुलस बोलते हैं, इसको मॉडुलस बोलते हैं। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस में है तो ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मॉडुलस निकालने का तरीका है। कंजुगेट कैसे निकालते हैं वो दिखा देते हैं आपको हम। कंजुगेट निकालते हैं, कंजुगेट को डिनोट करते हैं जेड बार से, ठीक है। तो जेड इक्वल टू अगर दिया हुआ है ए प्लस आई बी,
तो जेड इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो ए माइनस आई भी हो जाएगा, यानी जो आई होगा ना आई यही सिर्फ रिप्लेस करेगा माइनस में, यानी आई रिप्लेस करेगा माइनस आई के साथ, बाकी कोई जो है ना रिप्लेस नहीं करेगा है। अगर ये रिप्लेस कर दोगे तो ये जो है ना कॉन्जुगेट निकल जाएगा, ठीक है। अगर ये चीज़ अगर इस तरह से अगर लिखा हो कि जेड इक्वल टू है आई बी प्लस ए, तो अभी भी जो है ना आप जेड का कॉन्जुगेट निकालोगे तो इसी को चेंज करोगे, माइनस आई बी प्लस ए ही होगा ये, ठीक है। ये ध्यान रखना कि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के वक्त जो है ना आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब कुछ और प्रॉपर्टी, अगर जेड वन इंटू जेड टू है और दोनों का मॉडुलस लगा हुआ तो आप इसको अलग अलग मॉडुलस निकाल दो ऐसे, यही प्लस में भी होगा, ठीक है। मॉडुलस लगा हुआ है तो ये जो है ना जेड वन और ये प्लस जेड टू, इस तरह से सबको जो है ना अलग अलग कर दोगे, ये जो है ना आपका निकल जाएगा। यही कंजुगेट के अंदर में भी है, जेड वन जेड टू का अगर कंजुगेट है तो जेड वन पर अलग से कंजुगेट हो जाएगा और जेड टू पर अलग से कंजुगेट हो जाएगा। यही प्लस माइनस में भी है, यही डिवाइड में भी है, सबका जो है ना इसी तरह हो जाएगा। जैसे जेड वन बाई जेड टू है, इसका जो है ना आपको कंजुगेट निकालना है तो ये जेड वन पर कंजुगेट हो जाएगा और ये जेड टू पर कंजुगेट हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि ये जेड टू नॉट इक्वल टू जीरो है, ये जीरो होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, फिर सोल्व नहीं होगा। ये सारे हमारे इंट्रोडक्शन से इस पर जो है ना हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। अब हम इस पर क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, सो आप देख लो एक्सरसाइज में है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, तो ये फाइव आई है और ये माइनस थ्री बाई फाइव आई है, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये आप देख लो। तो आप देखो पहले जो है ना डिजिट को आप एक साथ लिख लेना, फाइव माइनस थ्री बाई फाइव ऐसे, ठीक है, और इनटू आई दो बार हो गया ये, तो अब इसको मल्टीप्लाई करो तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस थ्री हो गया और ये आई स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस थ्री और आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन होता है, तो ये वाली चीज़ जो है ना लिखनी है, तो ये आपका थ्री हो जाएगा। इसको अब ए प्लस आई बी के फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, थ्री तो आपका रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इसलिए इसको आई जीरो लगा करके लिख देंगे, ठीक है। ये इस तरह से जो है ना हम इसको सोल्व करेंगे। अब किसी आई पर जो है ना बहुत ज़्यादा पावर दे रखा है तो हम क्या करेंगे, अब जैसे मान लो कि आई पर 9 है और आई पर 19 है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो ये देखो आई इस पर 2 लगा देना और 2 के टेबल में देखा 9 कितनी बार आता है, तो 9 तो आता नहीं है, 8 आता है, तो 2 4 जाए 8 होता है ना, तो 2 4 जाए 8 और एक ये 9 हो गया, इस तरह से ब्रेक करना है। अब 19 है तो इस पर तो 2 ही लगेगा, ठीक है। अब 2 के टेबल में देखो 19 नहीं आता है तो कितना आता है, 18 आता है, कितना बार 9 जा, तो 2 9 जा 18 लिखना है और एक बच गया ना, तो ये 19 हो गया आपका, ठीक है। अब इसका वैल्यू आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन है तो माइनस वन की पावर 4 हो जाएगा और आई रहेगा, फिर आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन है तो इसकी पावर 9 हो जाएगा और ये आई रहेगा, ठीक है। आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, अब देखो माइनस वन की पावर 4 है तो इसे पॉजिटिव में हो जाएगा तो ये केवल आई बचेगा, ठीक है। माइनस वन की पावर 9 है, ये चूंकि आपका ऑड नंबर है इसलिए जो है ना माइनस ही रहेगा, तो ये माइनस आई हो जाएगा, तो इसका हो गया 0। तो अब इसको हम कैसे हम लिखेंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो ये 0 प्लस आई 0 इस फॉर्म में हम लिख देंगे, इस तरह सोल्व हो जाएगा ये। अगर इस पर पावर जो है ना माइनस में है तो क्या करेंगे, ये देखें थर्ड में है, ये आई की पावर माइनस 39 है, तो हम कैसे करेंगे, तो इसको जो है ना आप नीचे कर लेना, आई की पावर 39 ऐसे पॉजिटिव में हो जाएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है ना ए की पावर माइनस वन होता है तो 1/a हो जाता है, ठीक है। अगर 2 हुआ तो यहाँ पर 2 चढ़ जाता है, यहाँ n है तो यहाँ पर n चढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसको ब्रेक करते हैं नीचे ही, आई इस पर तो 2 ही रखेंगे, ठीक है। अब इस बार 2 के टेबल में देखते हैं 39 कितनी बार में आता है, तो 39 2 के टेबल में नहीं आता क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो 19 जा होता है 38, 19 जा 38 होता है और इनटू एक बच गया ना 19 हो गया ये। तो अब देखो 1/i² तो माइनस वन होता है, तो माइनस वन की पावर 19 है इनटू आई है, ठीक है। तो है ऑड नंबर इसलिए माइनस रहेगा, तो 1/i हो गया, तो नीचे जब भी आई रहेगा तो इसको आप रेशनलाइज कर देना, ठीक है। जब भी नीचे i के फॉर्म में रहेगा तो इसको रेशनलाइज करना ही करना है, तो ये आपका हो जाएगा i/i², ठीक है। तो ये i/- तो है पहले से और i² का माइनस वन आया, तो ये क्या हो जाएगा i/1 हो जाएगा, यानी कि इसको आप सीमित
आई लिखोगे, इसको आप उस फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो इसमें रियल पार्ट नहीं है तो इसलिए जीरो प्लस आई लिखना है ऐसे, ठीक है। तो ये फॉर्म हो गया ए प्लस आई के आई बी के फॉर्म में हो गया है, कम्प्लेक्स नंबर में। तो इस तरह से जितने भी पावर वाले आएंगे तो आप इस तरह से टू के रिस्पेक्ट में ही जो है ना ब्रेक करना, चाहे जितना बड़ा भी हो। फॉर एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, जैसे आई की पावर 289 है, ठीक है, तो हम यहाँ पर आई की पावर 2 रखेंगे। इसमें हम देखें 289 कितना के टेबल में आता है, ये देख लेना ऐसे 2 से डिवाइड करके, 21 जै 2 हो गया 8, 24 जै 8 हो गया, ठीक है, 9 24 जै फिर 8 हो गया, तो 1 बच जाता है। तो ये 144 इंटू आई लगा देना, ठीक है, तो आई का वैल्यू तो -1 हो गया और ये 144 हो गया पावर इसका और आई, तो ये क्या है, इवन नंबर, इवन नंबर तो प्लस में हो जाएगा तो ये सिर्फ आई होगा, ठीक है। इस तरह से आप जो है ना ब्रेक कर लेना, इसके अंदर में 2 जरूर रखना है। अब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसी तरह से सारे क्वेश्चन जो है ना आप सोल्व करोगे, सारे क्वेश्चन सोल्व करते हुए आओगे आप। अब जैसे है इसका 8 नंबर क्वेश्चन है, 1 माइनस आई की पावर 4 है, इसको आप कर लेना 1 माइनस आई की पावर 2 और इसका भी 2 कर लेना, हो गया ना 4। अभी ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, यही ना लगाते हैं, तो ये लगा देंगे, तो ये 1, ये प्लस आई स्क्वायर है, ठीक है, अब माइनस ये हो गया 2i, तो आप देखो यहाँ पर इसका जो पूरा का स्क्वायर है वो रहेगा, तो 1 ये आई स्क्वायर माइनस 1 हो गया, माइनस 2i है, तो ये ख़त्म, ये आई स्क्वायर इक्वल टू हमने माइनस 1 लिखा, तो माइनस 2i का स्क्वायर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दो बार लिखोगे ना इसको, माइनस 2i इंटू माइनस 2i, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, 2 जा 4i स्क्वायर हो गया, तो 4 माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि i स्क्वायर कितना होता है, माइनस 1 होता है। बस ये बहुत आसान है, इस तरह से जो है ना आप करते रहो। फिर जो है ना आप देखो इसका सेकेंड क्वेश्चन है, इस तरह से क्यूब का भी फार्मूला हमने लिख दिया हुआ है, क्यूब का भी फार्मूला आप देख लेना ट्राई करके। इसका आप देखो अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, ये दिखा देते हैं हम आपको। 11 नंबर क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, 4 माइनस 3i है, ठीक है, इसको आप लेट कर लेना कि ये जेड इक्वल टू है 4 माइनस 3i, इसका मॉडुलस ऑफ जेड निकाल लेना, रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा, 4 जाए 16 और 3 जाए 9, ये हो जाएगा कितना 25। तो मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर हमको फॉर्मूला में चाहिए, तो ये हो जाएगा रूट 25 का कितना 25 हो जाएगा। कॉन्जुगेट ऑफ जेड निकाल लेना, यानी 4 प्लस 3i हो जाएगा, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट 4 प्लस 3i हो जाएगा, हो गया। जेड इनवर्स निकालने का तरीका हो गया जेड पर कंजुगेट बाई मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, तो इस पर अब बैठा देते हैं। ये हमारा कितना है 4 प्लस 3i, और ये जेड का मॉडुलस का स्क्वायर है 25, तो ये लिख देते हैं। इसको आप अलग अलग कर दें, रियल और इमेजिनरी अलग, इसको लिखना है 4/25 प्लस, इसको लिखना है 3/25i, आई बाद में भी लगा सकते हो, पहले भी लगा सकते हो, ठीक है। ये इस तरह से क्वेश्चन जो है ना सोल्व करना है। इसको दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो, दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो ये हम दिखा देते हैं। अल्टरनेटिवली मेथड है ये, जेड इक्वल टू दिया हुआ है 4 माइनस 3i, ठीक है, तो 1/z कर लेना आप इसको, 1/4 माइनस 3i, ठीक है, इसको रेशनलाइज कर देना 4 प्लस 3i/4 प्लस 3i, ठीक है, ये रेशनलाइज होगा, नीचे जब भी i आ जाएगा तो रेशनलाइज हो जाएगा। ये 1/z ना, इसको जेड इनवर्स ही लिखते हैं, ठीक है, अब रेशनलाइज करोगे तो ऊपर 4 प्लस 3i आ गया और नीचे a माइनस b, a प्लस b, तो a का स्क्वायर और माइनस b, ये फॉर्मूला होता है, तो 4 प्लस 3i तो रहेगा बाई ये 16 हो जाएगा, माइनस ये 9i स्क्वायर हो जाएगा, 9i स्क्वायर, तो इसको लिखोगे 4 प्लस 3i/16+9 हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, इसलिए तो ये 4 प्लस 3i/ कितना हो गया 25। फिर इसको अलग अलग करके लिख दो, 4/25 प्लस 3 बाई
25i हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, उस तरह से भी कर सकते हो, जैसे मर्जी वैसे आप सोल्व कर लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस तरह से आप सोल्व करते रहो। ये सारे क्वेश्चन जो है ना इसी के ऊपर जो है ना डिपेंड करता है। आप 13 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो, इसमें केवल जो है ना माइनस आई दिया हुआ है, तो इसको आप जेड इक्वल टू लिख लेना, लेट जेड इक्वल टू 0 माइनस आई ऐसे। ठीक है, अब मॉडुलस ऑफ जेड निकालना है तो ये निकालो, रूट अंडर 0 का स्क्वायर होगा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर होगा, इसका कोफिशियंट लिखते हैं। ठीक है, तो ये माइनस 1, तो ये यानी 1 ही हो जाएगा, तो मॉडुलस इसका स्क्वायर लगाओगे तो केवल 1 हो जाएगा। इसका कंजुगेट निकालोगे 0 माइनस आई का तो 0 प्लस आई हो जाएगा। ठीक है, अब जेड इनवर्स निकालोगे तो जेड का कंजुगेट बाई मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, तो ये लिखोगे 0 प्लस आई बाई 1, तो इतना ही रह जाएगा 0 प्लस आई, बस ऐसे लिखना है। ठीक है, अब इसी तरह से क्वेश्चन जो है ना आप सोल्व करो, और जो प्रॉब्लम्स हो उसको जो है ना आप कमेंट बॉक्स में जो है ना बताना। ठीक है, वहाँ हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे आपका, वहाँ हम बताएंगे। और ये सारे जो है ना कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा करके हमारा जो है ना आप इसको खोल करके देख लेना, इसमें पूरा इंट्रोडक्शंस भी है और पूरा क्वेश्चन सोल्व किया हुआ भी जो है ना है। ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आता है वो बेल आइकन का बटन दबाओगे तभी जो है ना आपको नोटिफिकेशन जो है ना आपको पता चलेगा। थैंक यू।